हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना स्किन केयर रूटीन। तो आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूँ सबसे पहले कि जितने भी प्रोडक्ट हैं कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें दिखाऊंगी आपको सिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ अपना पर्सनल और ऑनेस्ट अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, आपको सिखाने नहीं वाली हूँ। आप चाहें, आपको सही लगे तो फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात, तीसरी बात आपको बता दूं, ये वाला बाल आई डोंट नो व्हाई मेरा पता नहीं कैसे ये निकल जाता है, अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों, छुपता ही नहीं कितनी भी कोशिश कर लूं। तो बकवास नहीं करूंगी, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यूज करती हूँ अपने स्किन केयर में, मैंने ले लिया हुआ इकट्ठा करके। और आपको एक बात बता दूं कि आप जब भी स्किन केयर करने बैठो या फिर मेकअप करने बैठो तो आपको मैं एक चीज बताऊं, आपको सारी चीजें इकट्ठा करके रख लेनी चाहिए, इससे बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। मुझे भी ईजी हो जाएगा आप लोगों को बताने के लिए। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि सारी चीजें ले लेती हूँ, मुझे जहां बैठे करना रहता है मैं करती हूँ सारी चीजें साथ में। तो आपको एक बात अपने बारे में एक फैक्ट बताऊं कि मुझे आज तक नहीं पता कि मैं किस तरीके से स्किन केयर करती हूँ या फिर मेरा स्किन केयर रूटीन क्या है, बट जो भी है जो मुझे सही लगता है या फिर जैसे मैं करती हूँ वो इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो जो है वो चिट चैट काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के साथ में बातें करके। स्किन केयर का जो सबसे पहला स्टेप होता है सबका, वो होता है फेस वॉश। कभी कभी एक ही स्टेप में आप लोग क्लिंजिंग करते हो अपने फेस की, एंड कभी कभी डबल स्टेप करते हो, क्लिंजर प्लस फेस वॉश, तो डबल स्टेप क्लिंजिंग हो जाती है आपके फेस की। तो आप लोगों को बता दूं, मैं हमेशा यूज करती हूँ एक गुडनेस का फेस वॉश, एंड आज यूज करने वाली हूँ गुड वाइब्स का फेस वॉश। अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है, पहले भी मैंने इसको यूज किया हुआ है। एंड आप लोगों को बता दूं, कभी कभी मैं डबल स्टेप क्लिंजिंग करती हूँ, कभी कभी सिंगल स्टेप क्लिंजिंग करती हूँ, कभी कभी सिर्फ क्लिंजर यूज कर लेती हूँ, कभी कभी दोनों यूज कर लेती हूँ, कभी कभी फेस वॉश यूज करती हूँ। मेरा कुछ भी प्रॉपर इसका एक मतलब रूल नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ यूज करती हूँ। जब मैं फ्री रहती हूँ तो दोनों करती हूँ, नहीं फ्री रहती हूँ तो वैसे आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में खुद ही मैं क्लियर नहीं हूँ। वैसे फेस वॉश मैं मोस्टली करती हूँ और फेस वॉश ही आज करने वाली हूँ। वैसे फेस वॉश तो इंसान डेली करता है वैसे भी। चलिए सबसे पहले फेस वॉश कर लेते हैं। फेस वॉश कर लिया हुआ है और गीले ही फेस पे मैं करने वाली हूँ स्क्रब। स्क्रब मैं बहुत टाइम बाद करने वाली हूँ। अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो आप लोग हैंडमेड स्क्रब भी बना सकते हो। अगर इस पर वीडियो चाहते हो तो बताना, मैं बनाऊंगी आप लोग के लिए ये वीडियो भी। तो अभी मैं करने वाली हूँ यूज हिमालय का ये स्क्रब है, काफी अच्छा होता है, मैं काफी टाइम से इसको यूज करी। हिमालय के सारे प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने फेस पे स्क्रब कर लिया हुआ है और ये मेरे रूटीन में नहीं आता है इसलिए लिए क्योंकि मैं बहुत टाइम हो जाता है उसके बाद तो स्क्रब करती हूँ। कभी मेरा पहले तो ऐसा होता था कि हाँ मेरी रूटीन थी प्रॉपर, मैं वीकली मंथली या फिर जैसे ही बोल सकते हो मैं करती थी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, मैं बहुत बिजी हो चुकी हूँ, कॉलेज वीडियोज़ ब्लॉग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं फॉलो कर पाती हूँ प्रॉपर। लेकिन हाँ आज मैंने किया हुआ है और मैंने बोला ना मैं अपना शेयर करने वाली हूँ ना कि सिखाने वाली हूँ। आप लोग चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। फेस वॉश और क्लिंजिंग के बाद आप लोग अपने फेस स्क्रब कर सकते हो एंड उसके बाद लगाने वाले फेस पे फेस पैक जो कि ऑल्सो है हिमालय का। जब भी मैं हिमालय का स्क्रब यूज़ करती हूँ तो हिमालय का ही फेस वॉश भी फेस पैक भी यूज़ करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि दोनों को साथ में यूज़ करने से मतलब काफ़ी अच्छा रहता है। केयर करना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब आपको फेस पैक अपने फेस पे रखना पड़ता है 15 मिनट्स के लिए तो कितना गंदा लगता है ना। एंड गाइस फेस पैक को मैंने वॉश कर लिया हुआ है एंड अब मैं लगाने वाली हूँ अपने फेस पे टोनर जो कि है गुड वाइब्स का। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टोनर कब लगाते हैं, मॉइस्चराइजर कब लगाते हैं, सीरम कब लगाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखो सारी चीजें यूज करने वाली हूँ और आपको पूरी स्टेप्स को बताने वाली हूँ अपने वीडियो में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं काफी सारी बार सर्च करी क्योंकि मैं बहुत टाइम कंफ्यूज रहेगी कब किसको कैसे लगाते हैं। तो मैं कभी कभी ऐसा होता ना स्किप कर देती, मैं सोचती कि इस बार सीरम लगाएंगे, एक बार टोनर लगाएंगे, बाद में मतलब हर स्किन केयर में अलग अलग चीजें करती थी। लेकिन अब मुझे प्रॉपर मुझे लगता है कि मैं सही फॉलो करती हूँ। अगर आप लोग को कुछ और पता है तो आप लोग बता सकते हो। तो अभी मैं टोनर अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे। इतना ज़्यादा टोनर कौन लगाता है। तो मैंने टोनर अप्लाई कर लिया हुआ है एंड टोनर लगाने के बाद आपको 15 से 10 मिनट्स का वेट करना चाहिए हमेशा अगला कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले। अभी आप अपने फेस पे टोनर लगाते हैं तो आप चाहें तो उसको कॉटन पे लगा सकते हैं, बट मुझे सही लगता है कि अगर मेरी स्प्रे बॉटल तो मैं स्प्रे यूज़ करूँ, काफ़ी ईजी भी हो जाता है और इतना टाइम भी नहीं वेस्ट होता है और जल्दी से लग भी जाता है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, आप जब भी टोनर लगाएं तो अपने फेस पे आपको धीरे धीरे से इस तरीके से टैप टैप करना है अपने फेस पे। बहुत लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जैसे कि इसको गर्ल्स करें या फिर बॉयज करें, इसको वीकली मंथली कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्रॉपर यही चीज़ें करना चाहिए या फिर कुछ और भी इंक्लूड करना चाहिए इसमें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ में जो मेन क्वेश्चन है वो ये होने वाला है, ये मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है, नाइट स्किन केयर रूटीन है, संडे स्किन केयर रूटीन है, मंडे स्किन केयर रूटीन है, मतलब बहुत तरीके के बहुत तरीके क्वेश्चंस हैं जो कि
लास्ट में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं मुझे टोनर अप्लाई किए हुए कम से कम 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। एंड अभी मैं इसको अच्छे तरीके से देखने वाली हूँ ये सूख गया है कि नहीं। जो भी नहीं सूखा इस तरीके से करने पे आपके हाथ में आ जाएगा। एंड मुझे आप लोगों को बताना है तो ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट कर सकती हूँ इस वीडियो में। तो गाइज इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सीरम। अगर आप लोग को सीरम एंड मॉइस्चराइजर दोनों लगाना है तो आपको सीरम पहले लगाना है, टोनर के जस्ट बाद आपको सीरम लगाना है। या फिर आप टोनर नहीं लगाते हो डायरेक्ट आप लोग फेस पैक के बाद भी सीरम लगा सकते हो। सीरम लगाने का जो तरीका है आप लोगों को बता दूं, आप मॉर्निंग इवनिंग जब भी चाहे फेस वॉश करने के बाद सीरम अप्लाई कर सकते हो। तो सीरम भी बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मुझे अच्छा लगता है कि आप कुछ भी नहीं करते हो सिर्फ सीरम ही लगाते हो तो भी बहुत सही रहता है, आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है एंड काफ़ी अच्छा रहता है आपका फेस। तो इसके बाद जस्ट आपको सीरम लगाना है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एयरबुडनेस का सीरम जो कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं प्रॉपर यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स आपको बता दूँ। और आप लोगों को बता दूं गाइस कि आपको सीरम लगाने के बाद 15 मिनट तक प्रॉपर आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं आधा घंटा भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम आप लोग को 15 मिनट के बाद ही और कुछ मेकअप या फिर और कोई स्किन केयर अपने फेस पे, अगर आप लोग इसके आगे भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो करना चाहते हैं तो सीरम को कुछ टाइम। एंड गाइज अभी मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं सीरम को अप्लाई करने के बाद। मैं यहाँ पे अभी आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हो अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो गया, उसे दिखता तो नहीं लेकिन अब्जॉर्ब हो चुका है, उसको जो काम है आई होप हो चुका होगा। उसके बाद जो अगला स्टेप है, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मॉइस्चराइजर कब लगाते हैं, 15 से 20 मिनट होने के बाद अपने स्किन पे कोई भी आप मेकअप कर सकते हो। मेकअप के सबसे पहला जो स्टेप होता है मॉइस्चराइजर ही होता है, तो सीरम के बाद आप लोग डायरेक्ट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग सोचते हैं पहले मॉइस्चराइजर यूज़ करें फिर सीरम यूज़ करें, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सीरम पहले यूज होगा उसके बाद ही आप लोग मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, यही है सही। बाद मॉइस्चराइजर लगाया जाता है एंड इसको अच्छे तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी मैं। एंड गाइज मॉइस्चराइजर लगा लिया हुआ है, मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज़ किया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन विंटर से लिए अच्छा है, समर्स में लगाओगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली रहेगा। तो गाइज यही था पूरा स्किन केयर जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था अपना। वैसे मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता दूं कि मैं इसको प्रॉपर फॉलो नहीं करती हूं, लेकिन हाँ जब भी मुझे टाइम मिलता है 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में तभी मैं इसको करती हूं। और अगर आप लोग मेरा वैसे देखना चाहते हो कि वीकली क्या करते हो आप या फिर ऐसा, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। बट प्रॉपर आप लोग इतनी चीज़ें करोगे तो आपके लिए सही रहेगा एंड काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे प्रॉपर मैंने आप लोगों के साथ जो भी करी आज मैं वो शेयर करी हूँ। तो अभी बारी आती है बताने की काफ़ी सारी चीज़ें, तो चलिए बता देती हूँ। क्वेश्चन है कि गाइस इसको मॉर्निंग में करना या फिर नाइट में करना, मॉर्निंग में भी कर सकते हो नाइट में भी कर सकते हो, बट ये स्किन केयर है अगर आप नाइट में करोगे तो बहुत सही रहेगा क्योंकि इसमें फेस पैक का एंड स्क्रब का जो प्रोसेस था वो रात में बहुत अच्छे से वर्क करता है, आपके फेस पे जो नेक्स्ट डे शाइन आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। नाइट में आपकी जो स्किन सेल्स होती है जैसे रिलैक्स रहती है उसका जो वर्क होता है बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आपको नाइट में करना है अगर आप लोग फ्री हो तो, क्योंकि दिन में इतना शेड्यूल आपका बिजी होता है, आपको कॉलेज कोचिंग हाउस वाइफ हो तो घर के काम होता है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं हर इंसान के पास, तो रात में बेटर रहेगा रात में करके आप उसको सो जाओगे आपकी स्किन रिलैक्स रहेगी आपको अच्छा लगेगा। एंड कब करना है मंथली वीकली कब कैसे, तो आपके पास अगर टाइम है तो आप वीक में एक बार कर सकते हो, मंथ में 4 टाइम कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। बट इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है तो आप लोग एक महीने में 2 बार कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है कि 2 बार भी करना सबसे मुश्किल रहता है लेकिन 2 बार आप कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग मंथ में 4 टाइम करो, वीक में एक बार करो, वीक में एक बार करोगे तो ऑब्वियसली मंथ में 4 टाइम हो जाएगा। एंड इसको लड़के करें या फिर लड़की करें या फिर कौन करे, मतलब इसको सबसे पहले आप लोग बता दूंगा आप लोग 17+ हैं, 17 के ऊपर है आप लोग, तो इसको पूरा जितने प्रोसेस मैंने बताया आप लोग कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी जब भी आपकी एज 18+ आप लोग हो जाए तो ही आपको इतना सजेस्ट करना चाहिए। अगर आप लोग टीनेजर्स के लिए देखना चाहते हो गाइस कि क्या स्किन केयर करें कैसे करें कैसे नहीं करें, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी क्योंकि मेरी भी मतलब जो भी चीजें हैं मैं टीनेजर्स वाली मोस्टली चीजें जो डेली करती हूं टीनेजर्स वाली है, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूं वैसे तो। बट आप कमेंट करना कि आप लोग देखना चाहते हो या फिर नहीं, कि आप लोग देखना चाहोगे तो वीडियो क्यों शेयर करूंगी ऑब्वियसली। तो गाइस यही सारे थे जो क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आते हैं एंड मैंने क्लियर भी कर दिया वीडियो के साथ साथ में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो, और ढेर सारे चैलेंजेस भी मेरे वीडियो चैनल में पड़े हुए हैं आप लोग जाके देख सकते हो। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस, लव यू ऑल।